हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे हो गए। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके जो भी क्रश है, जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो, उनकी आपके लिए इस वक्त क्या कुछ फीलिंग्स है, क्या कुछ थॉट्स है, क्या कुछ सोच रहे हैं इस वक्त आपके लिए, देखते हैं। आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना है। थीटा पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, कलेक्टिव की एनर्जीज होती हैं। हर एक बात आपके लिए नहीं होती, जो आपको लगता है यस ये मेरे साथ हुआ है या फिर ये मेरे रिश्ते में हो सकता है, वो आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर वो एनर्जीज आपके लिए नहीं है, ठीक है? आपको याद रखना है कलेक्टिव की एनर्जीज हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है? और यस, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की कॉल है। जो आपका बजट है आप पे करके अपनी रीडिंग ले सकते हो, ओके? तो हम देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है आपके क्रश की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, क्या कुछ निकल के आती है। ओ थ्री ऑफ सोर्स, ओ गॉड, क्या है ये एनर्जीज? बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज में नजर आ रही है मुझे आपके क्रश इस वक्त। बहुत ज़्यादा हेवी सैड एनर्जीज है आज, कुछ तो भी प्रॉब्लम डेफिनेटली हुई है। देखा मैंने बोला कुछ प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पे टॉवर का कार्ड आ गया और देख लेते हैं यहाँ पे द डेविल, बॉटम में है यहाँ पे द चैरियट। आपके जो भी क्रश है स्ट्रांगली जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज लियो सजिटेरियस के हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस के भी हो सकते हैं, ठीक है? नंबर यहाँ पे 3 7 8 5 4 14 12 7 7 7 आपको एंजल नंबर दिख रहा हो, 5 5 5 आपको एंजल नंबर दिख रहा हो और नंबर 1 भी है यहाँ पे, ठीक है? तो इस वक्त की अगर आपके क्रश की फीलिंग्स की बात करूँ ना, ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में, और हो सकता है कि अगर इनके इस रिलेशनशिप में, मतलब अगर आपको पता है कि आपके इस रिलेशनशिप में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, तो उनके साथ डेफिनेटली इनका कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ ब्रेकअप सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा थ्री ऑफ सोर्स के पेन से गुजर रहे हैं इस वक्त। डेफिनेटली इनका थर्ड पार्टी से झगड़ा हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, डिस्टेंस हुआ है, या तो जो कि इनमें मनमुटाव इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में है और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे इस रिलेशनशिप में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, तो डेफिनेटली आपके क्रश को लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में किसी और ने एंटर कर लिया है, आपने शायद इनसे मूव ऑन कर लिया है और इसीलिए बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है? दिल से आपके साथ इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं या आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते, आपको खोने का लॉस ये कभी भी नहीं झेल सकते, ठीक है? इनको आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है, मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है और आपसे मेहनत करना चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहते हैं, आपके लिए जैसे कि अपना घर बनाना चाहते हैं, आपके साथ ये फैमिली देखने लगे, ठीक है? लेकिन इनको आपकी एनर्जीज फील होने लगी कि शायद अब जो है कि आपने इसे मूव ऑन कर लिया है, ठीक है? ना चाहते हुए इनको इस रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ सकता है और इस एनर्जी से वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। इनको बिल्कुल भी आपसे मूव ऑन नहीं करना है, क्योंकि ये जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेविल का कार्ड शो करता है कि इनको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपको लेके हो रहा है, ठीक है? और इनका नेगेटिव थॉट्स यही हो रहा है, शायद मुझे स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है कि इनका नेगेटिव थॉट यही है कि शायद आपकी ज़िंदगी में किसी और ने एंट्री कर ली है, आपका जैसे कि किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका है, आपने किसी और का प्रपोजल स्वीकार कर लिया है और ये बातें इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में ये जा चुके हैं। टावर इनकी लाइफ में स्टार्ट हो चुका है, ये बहुत मतलब तकलीफ महसूस कर रहे हैं। इनको इन्होंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि अगर ऐसा कुछ होगा, मतलब कि अगर आप मूव ऑन कर लोगे या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई और आ जाएगा तो इनको इतनी तकलीफ होगी, इतना मतलब पेन होगा, जैसे कि एक अलग सी तन्हाई इनके दिल में है जो कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, और इसलिए इनके नेगेटिव थॉट्स आपको लेके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इस वक्त। इनको ऐसा लगने लगा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, जो कि इनको फील होता है इस वक्त। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इनकी बढ़ चुकी है और यहाँ पर अगर इनकी ज़िंदगी में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है
तो शायद ये जो कि इस रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ आपको बैलेंस करना चाहते हैं, इसलिए मैंने बोला कि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनको लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है और ये जो कि आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं, ये गॉड को दिल से तमन्ना करते हैं कि चाहे जो भी हुआ है इस रिलेशनशिप में, झगड़े हुए हैं, आपने एक दूसरे को बहुत भरा, आपने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गलत सलत बोल लिया है, लेकिन फिर भी ये आपके पास आके इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं। इन्होंने आपके कॉल मैसेज को पास्ट में रिप्लाई नहीं किया है, इस बात का इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, और इनको शायद कोई और लाइक करता है, कोई और प्रपोज कर रहा है, लेकिन जो कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर फोकस मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं। ठीक है, दिल से आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, दिल से इस रिश्ते के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, और दिल से आपको मतलब कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, इस रिलेशनशिप का जो भी पास्ट है, जो भी झगड़े हैं, वो उसे भी याद कर रहे हैं, लेकिन जो कि इन झगड़ों को लेकर नहीं बैठना चाहते, वो आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इस वक्त नेगेटिविटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है आपको लेके। जब तक ये पॉजिटिव एनर्जी जिनको आपकी तरफ से फील नहीं होगी, तब तक ये एक्शन लेने के लिए स्ट्रेंथ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इनको आना है आपके पास, ठीक है, लेकिन एक्शन लेने के लिए जैसे कि मैंने बोला स्ट्रेंथ नहीं है। डेफिनेटली इनको जैसे कि चीटिंग की वाइब्स आ रही है। आपने इनको पहले खुद होके पूछा था तो इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था, और सेकंड टाइम जैसे कि आपने इनके लिए एफर्ट्स नहीं लगाए, जो कि इस तरह से सोचते बैठे कि मतलब ये आपके लिए एक्शन नहीं भी लेते हैं ना, फिर भी आप इनको एक बार ज़रूर पूछोगे, लेकिन आपने इनको एक और बार नहीं पूछा है। इन्होंने आपकी ज़िंदगी में टावर लाया, इन्होंने आपको रिजेक्ट करके जैसे कि किसी और चीज़ के पास चले गए, किसी भी चीज़ के पास हो सकता है। ठीक है, कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई जॉब, एजुकेशन, सक्सेस, कुछ भी हो सकता है। इसको कि इन्होंने आपको रीज़न दिया कि इस वजह से जो कि मैं तेरे साथ रिश्ता नहीं स्टार्ट कर सकता, लेकिन इन्हें लगा था कि आप इनका इंतज़ार करोगे, आप इनका जैसे कि फिर से एक बार ट्राई करोगे ऐसा, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। और एक गॉड को दिल से प्रे कर रहे इस वक्त कि ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि ये जो कि आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते। ठीक है, ये गॉड से प्रे कर रहे हैं कि गॉड प्लीज़ मेरे इस रिलेशनशिप को ठीक कर दे, मेरा ये जो पार्टनर है, मतलब कि आप या आपके साथ जो कि गॉड को मैनिफेस्ट कर रहे, गॉड को बता रहे कि जो भी है इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक कर दे, इस तरह से गॉड को प्रे करते हो मुझे दिखाई दे रहे। ठीक है, और जैसे कि इनको लग रहा है कि अगर अभी आपके पास आएंगे ना तो आप दोनों के झगड़े ही होने हैं जैसे पहले हुए थे, फिर से एक बार इनको झगड़ा आपसे करना पड़ेगा, इसी इनको आपकी तरफ से एनर्जीज फील हो रही है। ठीक है, देखते हैं इस रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गाइड करिए यूनिवर्स, इस सिचुएशन में इतनी हैवी एनर्जीज में इस वक्त इस रिलेशनशिप के लिए मेरे यूनिवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे यूनिवर्स को क्या करना चाहिए इस वक्त, क्या करना चाहिए मेरे यूनिवर्स को इस वक्त, थ्रू मैसेज है क्या करना चाहिए इस वक्त मेरे यूनिवर्स को। कन्फ्यूज, आप कन्फ्यूज हो बहुत ज़्यादा कि इनको खुद होके कॉल मैसेज करूँ कि नहीं करूँ, इस तरह से है। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि नहीं, आपको जो कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देनी है। ठीक है, और यहाँ पे कन्फ्यूजन का कार्ड ये भी शो करता है कि शायद आप दो लोगों में कन्फ्यूज हो, आप यहाँ पे एम्परर है, यहाँ पे किंग है, दो दो किंग है यहाँ पे, जो कि शो करता है कि आप जो इस वक्त दो दो लोगों के बारे में सोच रहे हो, कन्फ्यूज हो आपके क्रश में और किसी और में। तो यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि कन्फ्यूज ना रहे, किसी एक का चुनाव करें, और शायद ये आपके क्रश को भी फील हो रहा है कि आप जो किसी और के बारे में सोच रहे हो, इसी वजह से इनको जो कि थर्ड पार्टी की एनर्जीज फील हो रही है। ठीक है, आपको अपना कन्फ्यूजन हटाना होगा और किसी एक को चूज करना होगा। ठीक है, तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको जिंदगी में आगे क्या करना है। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे देखा नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।